किसी जमाने में देश की सबसे ताकतवर पार्टी माने जाने वाली कांग्रेस इस समय मध्य प्रदेश में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के रणनीतिकारों के सामने खुद की पार्टी के कार्यकर्ता ही बड़ी चुनौती बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पार्टी से मोहभंग ने आला कमान की नींद उड़ा रखी है। इसके चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने का अब मेगा प्लान तैयार कर चुका है। मध्य प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं का दल बदल है। बीते कुछ महीनों में मध्य प्रदेश के अलग अलग कोने से 5000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कई स्थानीय नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कांग्रेस के सामने सिर मुड़ाते ही ओले गिरने जैसी स्थिति बनी हुई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बीच राहुल गांधी की यात्रा भी मध्य प्रदेश से गुजरने वाली है। अब पार्टी नेता इस दुविधा में है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी करें या राहुल गांधी की यात्रा के लिए कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करें या फिर रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाएं। कांग्रेस के सामने पार्टी में मची भगदड़ को रोकने के लिए मेगा प्लान तैयार करने की चुनौती है। बीते एक महीने में करीब 1500 नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। कांग्रेस के जबलपुर से महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने पार्टी का दामन छोड़ा। सिंगरौली जिला पंचायत उपाध्यक्ष अर्चना सिंह भी कांग्रेस छोड़ चुकी है। जिला पंचायत सदस्य पार्षद जनपद पंचायत सदस्य ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशांक शेखर ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। इधर कांग्रेस के दल बदल से परेशान पार्टी के रणनीतिकारों ने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने का जिम्मा उठा लिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को समझ चुके हैं कि वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं में बढ़ती दूरी ही दल बदल का सबसे बड़ा कारण है। अंदर खाने की खबर है कि पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को इस दल बदल को रोकने की जिम्मेदारी सौंप चुके हैं। बताया जा रहा है कि पीसीसी नाराज कार्यकर्ताओं की कुंडली खंगाल रही है। साथ ही लंबे समय से पार्टी से दूरी बना चुके नेताओं की सूची भी तैयार की जा रही है। जल्द ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इन रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने में जुट जाएंगे। हालांकि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन दबी जुबान में उन्हें मनाने की बात भी करते हैं। लेकिन इस तरह की सब हवाएं चलती हैं, इक्के दुक्के जाते हैं। कमलनाथ जी के बारे में भी बोल रहे थे, तो कोई कहीं नहीं जा रहा है कि केवल अफवाहें हैं, ये बीजेपी की और मीडिया की अटकलें हैं। बाकी कांग्रेस का जो ठोस कार्यकर्ता, ये जो नए आए हों जुड़े हों वो चले जाए बात अलग है, बाकी ठोस कार्यकर्ता कहीं नहीं जाने वाला। निश्चित तौर पर नाराजगी है तो बात करेंगे और उनको जो परेशानी है उनको दूर करेंगे, लड़ेंगे। 2003 से लगातार लड़ रहे थे, 18 सरकार आई, फिर 18-20 में चली गई, फिर लड़े, फिर लड़ेंगे और कांग्रेस फिर आएगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस नेताओं की इस मुहिम पर चुटकी ले रही है। देखिए, अगर कांग्रेस को सही में जाना है तो राहुल गांधी सोनिया गांधी के घर जाएं और वहां पर धरना दें, क्योंकि उन्हीं की नीतियों के कारण कांग्रेस की ये स्थिति है। बाकी डबल इंजन सरकार और मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर कांग्रेसियों और अन्य विपक्षियों का भारतीय जनता पार्टी में आने का सिलसिला चलता रहेगा। एक कहावत है कि जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांटों की राह पर चलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के सामने दो चुनौतियां मुंबई खड़ी है। पहले तो लोकसभा चुनाव की वैतरणी पार करनी है, दूसरा पार्टी में मची भगदड़ को रोकना है। ऐसे में कांग्रेस के नेता कितने कामयाब हो पाते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में अपने प्रति कितना विश्वास जगा पाते हैं, ये केवल भविष्य ही तय कर पाएगा। पाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ 18।